नागिन 5 में वीर और बानी के बीच में एक ही आफत है और वो है मारकाट। मारकाट ही वो शैतानी औरत है जिसने आधी नागिन को मारने और उसके प्यार वीर को उससे छीनने के लिए खतरनाक से खतरनाक चाली चली। हर बार मारकाट माँ का खात्मा होते होते शो में ऐसा ट्विस्ट डाला गया कि मारकाट माँ मर के भी जिंदा हो गई। लेकिन अब फाइनली मारकाट माँ का रोल शो से खत्म किया जा रहा है और इस बात को खुद इस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस रावी गुप्ता ने ही कन्फर्म किया है। जी हाँ, रावी ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में बताया, मैं दुखी हूँ और डिसअपॉइंटेड भी कि शो में मेरा ट्रैक खत्म हो रहा है, लेकिन टेलीविजन में कुछ भी हो सकता है, ये एक अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है। मुझे उम्मीद थी कि मेरा ट्रैक एक या दो से तीन महीने तक चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि मारकाट शो में वापस आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अब मेरा ट्रैक खत्म हो चुका है। वहीं 8 साल बाद टीवी पर वापसी करने के बाद रावी काफी खुश भी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि शायद नागिन में एक नेगेटिव रोल करने के बाद उन्हें कई दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी मिले। रावी ने बताया, इस तरह की फेमस फ्रेंचाइजी में काम करने का ये एक शानदार मौका था। मुझे खुशी है कि मेकर्स ने मुझे मेरी वापसी के लिए इतनी मजबूत नेगेटिव भूमिका निभाने का मौका दिया। मैं उम्मीद कर रही हूं कि इससे और अधिक अवसर खुलेंगे और मुझे भविष्य में भी इस तरह के चैलेंजिंग रोल्स करने का मौका मिलेगा। सुना ना आपने, यानी कि नागिन के अपकमिंग एपिसोड में बानी और वीर मिलकर हमेशा हमेशा के लिए मारकाट माँ का चैप्टर खत्म करते दिखाई देने वाले हैं। वैसे भी शो में जल्द ही अर्जित तनेजा की एंट्री होने वाली है और अब जिस तरह से रावी ने अपनी एग्जिट की खबर को कंफर्म कर दिया है, उससे तो साफ है कि मारकाट के बाद अर्जित ही वीर और बानी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आने वाले हैं। हालांकि मारकाट की एग्जिट के बाद शो में कैसे नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अब देखना तो ये है कि उस मारकाट का अंत बानी कैसे करेगी, जिसे अब तक तमाम शक्तियां कुछ भी ना कर पाईं।